को से पीछे हटने पे, और आप भी तैयार हैं अपनी पार्टी से पीछे हटने पे, आइए कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाकर ये काम कर लेते हैं। ये सब कुछ उनकी ख्वाहिश पे हो रहा है, उनकी बुलाई हुई मीटिंगों में हो रहा है, जिसको वो लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे बताया है सारे अखबारों को, सारे मीडिया को, जैसे अभी 48 घंटे पहले ही उनको एजेंसी उठा के ले गई थी और सुबह उनसे अगले दिन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। नहीं भाई, आप 8 महीनों से हमें बुलवा रहे हो एस्टेब्लिशमेंट के पास, हमें बुला रहे हो मुख्तलिफ जगहों पे, हमें बुलवा रहे हो आप हमें बुलवा रहे हो। जरा सा मैं कोई ऊंचा बयान दे दूं तो मुझे शिकायत कहां करते हैं फारूक सत्तार साहब उनकी टीम एस्टेब्लिशमेंट को, और फौरन हमारे पास मैसेज आ जाता है कि भाई थोड़ा सा हल्का बोलें, थोड़ा सा नरम कर लें, जरा सी बात कर दो तो उधर से शिकायत आ जाती है। सो मच सो कि आमिर खान साहब और फैसल सब्जारी साहब यहां पर आ रहे थे इसी पाकिस्तान हाउस में दावतनामा देने के लिए, एपीसी का दावतनामा देने के लिए, उसके लिए फरमाइश करवाई कि उनका इस्तकबाल अनीस कायम खानी करें, उसके लिए फरमाइश करवाई कि उसका इस्तकबाल अनीस कायम खानी करें। यानी कि सुबह खाने में क्या खाना है, दोपहर में खाना क्या करना है, सुबह नाश्ता क्या करना है, शाम में सोने से पहले क्या करना है, वो आप एस्टेब्लिशमेंट से। हाँ, और आपने पूरे पाकिस्तान में हमें एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, और पिछले 48 घंटों 50 घंटों से सारे अखबार, सारे तजिया नगार, सारे सहाफियों को ये फोन करके फैसल सब्जवारी और फारूक सत्तार ने, मैं इस आदमी का तो खैर नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की, कोई एम्बिग्विटी रखना ही नहीं चाहता मैं, एक एक सहाफी को, एक एक एंकर को, एक एक अखबार के मालिक को, एक एक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को ये फोन करके बाकायदा समझाया है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट अगवा करके ले गई थी फारूक सत्तार साहब को, और अगले दिन जो ये मजबूरी में ये काम करवाए, और ये पीएसपी वालों के लिए हो रहा है, ये पीएसपी वालों के लिए हो रहा है। और पिछले 1.5 सालों से जब फारूक सत्तार साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान उनको मिली भी नहीं थी, जब वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़े थे, उस दिन से लेकर आज तक उनके हर बयान में हम लोग एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। हाँ, इसलिए कि हमने कोई आज तक इससे पहले तो कोई बात ही नहीं की ना। आज मैं सुनने वालों, मैं आज 18-20 महीनों के बाद, आने के 20 महीनों के बाद पहली दफा जुबान खोल रहा हूं। मैंने कहा था झूठ इतना बोलना कि मुझे सच ना बोलना पड़े, मुझे दीवार से ना लगाना। एक एक साफी बता रहा है कि आपकी कहां मीटिंग हुई थी, कौन था मीटिंग में, एक एक एंकर बता रहा है, एक एक अखबार वाला बता रहा है, नहीं बता रहे तो हम ही नहीं बता रहे। अब हम कह नहीं जी ऐसा तो हुआ नहीं था, तो उनका तासुर सही होता है साबित कि हां भाई एस्टैब्लिशमेंट ये काम मेरे लिए कर रही है, पीएसपी के लिए कर रही है। अखबारात भरे पड़े हुए डिटेल, ऐसा लगता है कि असफर भाई, ऐसा लगता है कि साथ हमारे बैठे थे सेफ हाउस में। फैसल सब्जारी साहब ने बिल्कुल कौन कब खांसा है, छींका है, सारी बातें बताई हैं। हाँ, सारे एंकर फोन करके पूछ रहे, सब बता रहे हैं हमें। तो भाई आप 8 महीनों से आपसे चूंकि पार्टी नहीं चल रही थी, आपको पता था कि ये कौन लोग हैं, आपने हमें बुलवाया एस्टेब्लिशमेंट के पास। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट क्यों कर रही है काम, वेरी क्लियर। हमने क्यों जाना पसंद किया, हम क्यों बात कर रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मुझे तो कोई शर्म नहीं है भाई। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ये चाहती है, इदारे ये चाहते हैं कि इस शहर में चूंकि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है, मुल्क का गद्दार है, उसकी इंप्रिंट्स यहां पर थी, तो अब रॉ के एजेंट अल्ताफ हुसैन के नाम पर और उसकी फिलॉसफी पे रॉ का काम इस शहर में नहीं होना चाहिए, उसके लिए उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे बिल्कुल। से जब अल्ताफ हुसैन रॉ के लिए खुला काम कर रहा है तो मुल्क के इदारे अपने मुल्क के लिए क्या खुला काम नहीं कर रहे, वो तो खुला काम ही नहीं कर रहे। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तो आईएसपीआर को बैठकर करनी चाहिए थी कि हां भाई हमने इनको बुलाया था, हर जगह सबको पता है, हम ही नहीं बोल रहे, हम खामोश हैं तो हम एजेंसी के लोग बन गए। अजीब मजाक है,
کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو بلایا تھا اور کیوں ان کو بلایا تھا کہ وہ نہیں چاہ, ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں, ایم کیو ایم کانٹیکٹ میں ہیں, آدھے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں, آج تک انہوں نے اس 56 گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں, ایک لفظ بھی الطاف حسین کے خلاف بات کی انہوں نے پچھلے 56 گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں, ایک لفظ بھی الطاف حسین کے خلاف بات کی ہے. ابھی وہ شودا یادگار جا رہے ہیں نا, ڈاکٹر عمران فاروق کی قبر پہ بھی جا رہے ہیں, ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے, تو فاروق ستار بھائی کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا ہے. لینا عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور الطاف حسین کے لیے جو ہے وہ بد دعا کریں. الطاف حسین نے مارا فاروق بھائی کو تو پتا ہے, فاروق بھائی نے ساری فائلیں دیکھی ہوئی ہیں, لڑکے پکڑے گئے ہیں, انڈین سیٹ اپ انوالو ہے ڈائریکٹ, انہوں نے میں سب کو پتا, سب کچھ پتا فاروق بھائی کو, تو کم سے کم عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ الطاف حسین کے لیے بد دعا کر دیں ذرا, ہاں الطاف حسین کے لیے بد دعا کر دیں عمران فاروق کی, اور بتا دیں کہ رو کے جو انڈین سیٹ اپ کے لوگ ہیں انہوں نے مارے, وہ گرفتار تو ہیں سارے لوگ, بول تو رہے سب کچھ, کس کو نہیں پتا ہے. فاروق بھائی کو کر لینی چاہیے بات, آئی ہوپ کہ جب وہ عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو یاد آنا چاہیے کہ وہ بھی کسی دن ایک قبر میں ہوں گے, مصطفیٰ کمال بھی ایک قبر میں ہوگا, تو شاید قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کر کے شاید دو لفظ سچ بولیں, اس لیے ہر انسان کو مرنا ہے ایک دن, تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کے عمران فاروق کے قاتلوں کے لیے بد دعا کریں گے, اور قاتل کوئی اور نہیں الطاف حسین ہے. ذرا سی کوئی بات کرو تو فوراً جو ہے وہ کال آ جائے, میسج آ جائے کہ فاروق ستار صاحب شکایت کریں, ان کے لوگ شکایت کریں, اور مزے کی بات ہے ان کے ہاں کوئی ایک آدمی ان کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا, ان کے ہاں جو اس والی بات پہ لڑائی ہے کہ مجھے بناؤ ایجنٹ. بھائی کامران ٹیسوری صاحب کی مشہورت آپ کو پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے, یہ 8 مہینے جو میں گن رہا ہوں تو 8 مہینے کا ہی سفر ہے نا کامران ٹیسوری صاحب کا, تو میں نام بتا دیتا ہوں کون کون ہوتا تھا میٹنگ میں. کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے,